बुद्धिमता सही मार्ग को जानना और अपनाना है। सत्यनिष्ठा अपने सिद्धांतों के साथ अडिग खड़े रहना है। अदम्य साहस, अमन चैन, खुशहाली के लिए निडरता से डटे रहना है। अपने उत्तरदायित्व को धैर्य और जुनून के साथ सुनिश्चित करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, महत्वाकांक्षा और प्रशिक्षण। हरियाणा पुलिस अकादमी, जहां महत्वाकांक्षा कुशल प्रशिक्षण से पूर्ण होती है। हरियाणा राज्य के लिए गतिशील और चौकस पुलिस बल प्रदान करने हेतु एक मिशन के साथ 1973 में दिल्ली चंडीगढ़ मध्य मार्ग पर मधुबन में एक भर्ती प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। जनवरी 1976 के बाद जिसे एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का नाम दिया गया और फिर मार्च 1976 में इसको पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज बना दिया गया। वर्तमान समय में 695.75 एकड़ भूमि में फैले विशाल अति सुंदर परिसर को हरियाणा पुलिस अकादमी का दर्जा 24 अप्रैल 2002 को मिला। ये देश की सबसे बड़ी पुलिस अकादमी भविष्य के अपराध पर अंकुश लगाने वाले जवानों को प्रशिक्षित करने वाली अग्रणी संस्था है। अकादमी के भव्य परिसर का मजबूत बुनियादी ढांचा आधुनिक प्रौद्योगिकी और कुशल उपकरणों से सुसज्जित है, जो प्रशिक्षुओं को श्रेष्ठ पुलिस अधिकारी बनने में सहायता करता है। हरियाणा पुलिस अकादमी इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस अकादमीज इन इंडिया। प्रशिक्षण में प्रवीणता हमारा मोटो है। हमारा स्टाफ निपुण और दक्ष है और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी एकेडमी में पुलिस के सभी स्तर के अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है और इसके साथ ही एससीएस अधिकारी, जुडिशियल ऑफिसर्स, इनकी भी ट्रेनिंग होती है। हरियाणा पुलिस एकेडमी में दूसरे राज्यों से भी डीएसपी तथा अन्य पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण के लिए आते हैं। हमारी एकेडमी में विदेशों से भी पुलिस अधिकारी आए हुए हैं। श्रीलंका और अफगानिस्तान से काफ़ी पुलिस अधिकारियों ने आकर यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। हमारे प्रशिक्षण केंद्र में यह महत्वपूर्ण है कि हम पुलिस को सेंसिटाइज पुलिस बनाना चाहते हैं फॉर एम्पावर्ड सोसाइटी। शारीरिक रूप से दक्ष और सबल बनाने के लिए कठोर एवं गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रातःकाल से ही आरंभ हो जाता है। पुलिस पेशेवर जीवन में उत्तम स्वास्थ्य का अत्यधिक महत्व है। हरियाणा पुलिस अकादमी का ये शारीरिक प्रशिक्षण जवानों को मजबूत, सुदृढ़ और फुर्तीला बनाता है। सभी प्रशिक्षु क्वार्टर गार्ड से शस्त्र एकत्रित करते हैं, जिसे कोथ के नाम से जाना जाता है। सामूहिक ड्रिल प्रशिक्षण के माध्यम से जवानों को अनुशासन, सतर्कता, सटीकता, स्थिरता और सामंजस्य की भावना को बढ़ावा देने के लिए एवं तकनीकी दक्षता से कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्यों का पालन करते हुए कानून और व्यवस्था को स्थापित रखने के लिए संगठित होकर काम करने के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। जो नए जवान भर्ती हो जाते हैं उनको आउटडोर ट्रेनिंग स्टेप बाई स्टेप सिखाते हैं और स्लो स्लो उनको हार्ड वर्क करवाते हैं। परेड पुलिस प्रशिक्षण का अनिवार्य अंग है। परेड का मुख्य उद्देश्य अनुशासन और एकता बनाना होता है, क्योंकि यहाँ का शेड्यूल जो है वो काफ़ी टाइट रहता है। सुबह हालांकि टाइमिंग वही रहता है जो कि हम कसरत करते हैं, कुश्ती के लिए प्रैक्टिस करते हैं। सुबह 4:30 बजे उठ जाना, 5:15 बजे ग्राउंड पहुँच जाना, 1 घंटा PT, फिर 2 घंटे परेड। लेकिन यहाँ पे जो परेड की जो सावधान पोजीशन में चलना, और कई सारी चीज़ें हैं, अच्छा भी लगता है और खुशी भी होती है कि हम भी इस हरियाणा पुलिस के हिस्सा हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रंगशाला एक ओपन थिएटर है, जो प्रातःकालीन सभा के लिए एकत्रित होने का निश्चित स्थान है। प्रशिक्षुओं को सिर्फ शारीरिक रूप से ही प्रशिक्षित नहीं किया जाता, बल्कि स्थानीय, घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी समसामयिक विषयों की जानकारियों से भी अवगत कराया जाता है। पुलिस अकेडमी में हम सिपाही से लेकर IPS तक का बेसिक कोर्स तो करवाते ही हैं। इसके अलावा हम सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का एक छोटा कोर्स भी करवाते हैं, जिस कोर्स में
हमें एनपीए से, बीपीआरएनडी से, एमएचए से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से कानून में हुए बदलावों की जानकारी देने के लिए ये कोर्स जरूरी होता है और इसको भी हम सभी रैंकों के लिए चलाते हैं। 10 हाईटेक इंटरैक्टिव स्मार्ट क्लासेस सहित प्रत्येक सुविधा से सुसज्जित 50 कक्षाएं अकादमी के 3 ब्लॉकों में फैली हुई हैं, जहां जनता की सेवा, सुरक्षा और सहयोग एवं समाज में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस सेवाओं के दौरान होने वाली कानूनी प्रक्रियाओं और उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। हरियाणा पुलिस अकादमी आज के बदलते समय में प्रौद्योगिकी के महत्व को भली भांति समझती है और अपने प्रशिक्षुओं को अत्यधिक दक्षता के साथ अपराधियों का सामना करने के लिए आवश्यक आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण भी देती है। सभी प्रशिक्षु पुलिस स्टेशन की संचालन प्रक्रियाओं को भली प्रकार से समझें और अनुभव कर सकें, इसलिए अकादमी में पुलिस स्टेशन के अनुरूप एक मॉडल पुलिस स्टेशन भी है। भारतीय कानून के साथ साथ भारतीय संविधान, पुलिस अनुसंधान के बारे में जानकारी देते हैं, इसके साथ साथ मानव व्यवहार और कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में और स्मार्ट पुलिस के बारे में इनको जानकारी देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। आर्मरर बेसिक कोर्स विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षुओं को सभी शस्त्रों, उनके कार्यों और इसके रखरखाव की सभी सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारी प्रदान करता है। अकादमी में कमांडो ट्रेनिंग के लिए विशेष पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण सत्र चलाए जाते हैं। कमांडोज को अधिक सतर्क, जागरूक और कठोर बनाने के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्थाओं और तकनीकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सभी प्रकार के आधुनिक प्रबंध अकादमी में किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों के 40 से अधिक भारतीय सेना के विशिष्ट प्रशिक्षकों को अकादमी में शामिल किया गया है, जो टैक्टिक्स, कमांडो, ड्रिल, पीटी, वेपन आदि के विशेषज्ञ हैं, जिनसे प्रशिक्षु महत्वपूर्ण सामरिक गतिविधियां और आतंक विरोधी ऑपरेशन कौशल को सीखते हैं। हमारे पास 17-18 आर्टिकल हैं, जिसके अंदर टार्जन रोप है, वर्टिकल रोप्स हैं, टनल्स हैं, दमदमा है, साथ में 6 फीट वाल है और तरह तरह के बैलेंस उसके अंदर हैं, ताकि कोई भी ऐसी वसीम परिस्थिति उनके सामने आए वो हालात में बड़े हौसले के साथ, बड़ी दक्षता के साथ, बड़ी माहिर के साथ सामना कर सकते हैं। प्रशिक्षुओं को स्वस्थ रखने और उन्हें मजबूत बनाने के उद्देश्य से संध्या काल में खेल और अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियों का सत्र होता है। खेल गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षुओं में ऊर्जा और सहन शक्ति का विकास होता है। एकाग्रता और मानसिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक शनिवार सुबह का सत्र योग प्रशिक्षण और ध्यान के लिए आरक्षित रखा गया है। हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, इसके साथ साथ मेरे खेल की तैयारी चल रही है, वो बहुत ही कामयाब है मेरे लिए। और यहाँ पे जो जो मेरे को तजुर्बे व शिक्षा और जो जो परीक्षण मेरे को करने को मिल रहे हैं, वो मेरे को जिंदगी में और कहीं मौका नहीं मिला। शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करके दिन व्यतीत करने के बाद प्रशिक्षुओं को एक सामान्य रोल कॉल के लिए बुलाया जाता है और फिर कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं के लिए नए निर्देशों की घोषणा की जाती है। प्रशिक्षु अगले दिन के कार्यक्रम के लिए नवीन ऊर्जा प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से रात्रि 10 बजे परिसर में लास्ट पोस्ट आउट होती है। कुछ दिन पहले मैंने अपनी DSP की ट्रेनिंग ज्वाइन की है हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन में। काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं कहूँगा कि जो भी मेरा इधर अभी एक्सपीरियंस रहा, इसमें डिसिप्लिन, हार्डवर्क और डेडिकेशन, वो सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ये उसके बाद जो हमारी लॉ की क्लासेस लग रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जितने भी हमारे उस्ताद साहिबान हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। रोज नामचा पंजीकरण केंद्र है, जहां प्रत्येक प्रशिक्षु जो अकादमी में प्रशिक्षण के लिए आता है उसका पंजीकरण किया जाता है। अकादमी में प्रत्येक प्रशिक्षु का दस्ती एवं कंप्यूटर आधारित प्रोफाइल बनाया जाता है। पंजीकरण के बाद प्रशिक्षु को एक पहचान पत्र जारी किया जाता है, जिसका उपयोग अकादमी के भीतर बहुउद्देशीय गतिविधियों के लिए किया जाता है। अकादमी में प्रशिक्षुओं के लिए पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें पुलिसिंग, मनोबल निर्माण, प्रेरणा,
आचरण, निर्णय, कर्तव्य निष्ठा के प्रति समर्पण और नैतिकता जैसी आवश्यक पुस्तकों और ग्रंथों का संपूर्ण संग्रह उपलब्ध है। अकादमी जानती है कि साइबर अपराध अब सामान्य अपराध नहीं रहा है। यही कारण है कि अकादमी अपने प्रत्येक अधिकारी को ऐसे अपराधों के विभिन्न पहलुओं, प्रकृति और संभावित खतरे की पहचान करने के लिए अवगत कराती है। आधुनिक डिजिटल संचार युग में साइबर अपराध से संबंधित सभी मामलों में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए साइबर लैब की सुविधा दी गई है। इन सर्विस कोर्सेज वी इन ऑर्डर टू एनहांस देयर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वी प्रोवाइड ट्रेनिंग पार्टिकुलरली टू द पुलिस ऑफिसर इन द मॉडर्न चैलेंजेस रिगार्डिंग क्राइम फॉर एग्जाम्पल द साइबर क्राइम वी कीप देम अपडेटिंग so that their professional competence is enhanced. We call for the guest speakers from different faculties. They enhance their knowledge. Conviction rate is very low. Sometimes we try to find the causes, and those causes are again made known to the participants in the form of short courses. अकादमी में सभी प्रशिक्षुओं को गृह मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए CCTNS ऐप का उपयोग करने के लिए भी शिक्षित किया जाता है। वर्तमान में ये प्लेटफॉर्म देश के सभी राज्यों की पुलिस द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक आवश्यक उपकरण बन गया है और आवश्यकता पड़ने पर हमारे HPA प्रशिक्षित अधिकारी भी इसके लिए तैयार हैं। परीक्षा में अधिक पारदर्शिता के लिए नई तकनीक को शामिल करते हुए लिखित पेपर परीक्षा के स्थान पर एक ऑनलाइन एग्जाम लैब मल्टीमीडिया हब में बनाई गई है। उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए एक कोड आवंटित किया जाता है। एक बार जब वो कोड के साथ लॉगिन करते हैं तो सर्वर स्वचालित रूप से जवाब देने के लिए प्रश्नावली प्रपत्र प्रदान करता है। नवीनतम तकनीकों से युक्त अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल स्टूडियो में लाइट्स, मल्टी कैमरा सेटअप, ऑडियो मिक्सर, कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं प्रशिक्षुओं को आधुनिक फिल्मिंग तकनीक का ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। फोटो लैब जहां प्रशिक्षु अपने कार्य में फोटोग्राफी की सभी आवश्यक कलाओं को सीखते हुए अपने फोटोग्राफी कौशल को मजबूत करते हैं। लैंग्वेज लैब जहां प्रशिक्षु अपनी भाषा के विसर्जन को बेहतर करने के लिए कंप्यूटर आधारित अभ्यास करते हैं जिसमें शब्दों के सही उच्चारण को सुनते और सीखते हैं। IT से संबंधित सभी रखरखाव हार्डवेयर लैब द्वारा किए जाते हैं। अकादमी में एक यूनिक क्राइम सीन मॉडल रूम है जो अपराध स्थल की जांच, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मूल्यांकन, प्रलेखन, खोज, पहचान, संग्रह और सबूतों के संरक्षण सहित अन्य बातें सीखने में प्रशिक्षुओं के लिए बहुत उपयोगी है। निशानेबाजी की कला में कुशल होने के लिए समय, धैर्य और बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए अकादमी में प्रशिक्षण के लिए एक अत्याधुनिक फायरिंग रेंज स्थापित की गई है जहां प्रशिक्षु अपने लक्ष्य भेदन को सुधारते हुए किसी शत्रुतापूर्ण स्थिति का सामना होने पर खुद को संभालना सीखते हैं। वर्चुअल ट्रेनिंग सिम्युलेटर प्रशिक्षुओं को वर्चुअल टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सहायता करते हैं और शांति भंग करने वाले किसी भी टारगेट या असामाजिक तत्व से निपटने के लिए उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण का लक्ष्य होता है एक गोली एक दुश्मन। ड्राइविंग किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक कौशल है, इसलिए एक पुलिस अधिकारी के लिए ड्राइविंग सीखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। HPA के ड्राइविंग स्कूल में दोपहिया और हल्के भारी वाहनों की ट्रेनिंग के साथ साथ लाइसेंस भी जारी किए जाते हैं। ड्राइवर के ड्राइविंग संबंधित पैरामीटर्स को विकसित करने एवं सुधारने के लिए ड्राइविंग स्कूल में एक मोटर व्हीकल सिम्युलेटर है जिससे प्रशिक्षु जल्दी और कुशलता से ड्राइविंग सीखते हैं। यहां प्रशिक्षु ऑन स्क्रीन वर्चुअल ड्राइविंग अनुभव भी करते हैं। अकादमी में पूरी तरह से वातानुकूलित अत्याधुनिक मल्टीमीडिया और प्रोजेक्शन यूनिट सुविधा के साथ 500 सीट वाला हर्षवर्धन सभागार है जहां सभी तरह के सेमिनार, नाटक और सम्मेलन आदि आयोजित किए जाते हैं। अकादमी में ही उच्च स्तर के विचार विमर्श हेतु विभिन्न क्षमताओं को समायोजित करने के लिए
3 सम्मेलन कक्ष हैं, जो सभी प्रकार की तकनीक और ऑडियो विजुअल उपकरण से पूर्णतः सुसज्जित हैं, जिनके साथ कई कार्यक्रमों का संचालन सहजता से किया जाता है। अकादमी ने भारतीय पुलिस इतिहास को भी संजोकर रखा है, जिसमें पुलिस सहित इसकी प्रासंगिक यादों को सम्मिलित किया गया है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित एक नव निर्मित संग्रहालय है, जिसमें 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद से आज तक के हथियारों और गोला बारूद के अनूठे संग्रह को संरक्षित रखा गया है। ये संग्रहालय प्रशिक्षुओं के लिए पुलिस में विकास के ऐतिहासिक पहलू को समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डॉग स्क्वाड, जिसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग्स दस्ता है, जो पुलिस कॉम्प्लेक्स मधुबन में बम और ड्रग्स जैसी कई संदिग्ध वस्तुओं को सूंघकर अकादमी के सुरक्षा कर्मियों को सतर्क करते हैं। घुड़सवारी दस्ते हेतु प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए अकादमी घुड़सवारी सुविधाओं से सुसज्जित है। उन क्षेत्रों में जहां अपराधियों को पकड़ने के लिए परिवहन के अन्य साधन नाकाम हो जाते हैं, वहां घुड़सवार सैनिक तत्परता से परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन पूरी अकादमी के लिए वाहन उपलब्ध कराता है। अधिकारियों से लेकर जवानों की आवाजाही के लिए सभी परिवहन सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाती हैं। किसी भी अकादमी का एक महत्वपूर्ण भाग भोजन और पोषण है। स्वच्छता और प्यार से पोषक तत्वों से भरपूर हाइजीनिक भोजन अकादमी में परोसा जाता है। नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के लिए महिला और पुरुष प्रशिक्षुओं के लिए अलग अलग मेस हैं। शीघ्रता से स्वच्छ रोटियां बनाने के लिए मेस में एक स्वचालित चपाती मशीन स्थापित की गई है। महिलाओं के आउटडोर इनडोर ट्रेनिंग का ध्यान रखती हूँ। इसके अलावा उनके मैस कैंटीन को ध्यान में रखा जाता है। उस मैस में ये भी देखा जाता है कि डाइटिशियन के हिसाब से उनको खाना दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। उनका डाइटिशियन जो चार्ट है उसको मैच किया जाता है। इसके अलावा कैंटीन में कोई असुविधा ना हो, देर सवेर उनके निवास स्थान होस्टल्स वगैरह को चेक करती हूँ, ताकि उन लड़कियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सीनियर ऑफिसर मेस, जीओ ऑफिसर मेस और गोल्फ व्यू ऑफिसर्स मेस पूर्ण रूप से सुसज्जित 3 ऑफिसर्स मेस हैं, जहां रहने की उत्तम व्यवस्था विशाल डाइनिंग हॉल के साथ फिटनेस सेंटर, स्नूकर रूम और टेबल टेनिस जैसी अन्य मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सभी को चिकित्सकीय रूप से फिट रखने के लिए अकादमी परिसर में एक सुसज्जित अस्पताल है। प्रशिक्षुओं, अन्य स्टाफ सदस्यों एवं उनके परिवारों के लिए आपातकालीन सेवाओं के साथ नियमित जांच और चिकित्सा सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। अकादमी में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए अत्याधुनिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वच्छेर स्टेडियम है, जहां ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के लिए सिंथेटिक ट्रैक और लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉटपुट, हैंडबॉल जैसे विभिन्न आउटडोर खेलों की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा एक मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, जहां कुश्ती और जिम्नास्टिक्स जैसे इंडोर गेम्स में आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे पुलिस कर्मियों को विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करके राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की तैयारी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। इसमें हमारे जितने भी आल अकेडमी में गेम होते हैं, हमारी स्पोर्ट्स की टीमें भी यहीं मधुबन में रहती हैं। और स्टेडियम है, जैसे स्टेडियम की बहुत पहले मिट्टी का था, अभी सिंथेटिक ट्रैक मल्टीपर्पज हॉल बना रखा है। तो ये इसी कारण बनाए गए हैं कि हमारी सेंटर की जितनी भी टीमें हैं पुलिस की, वो सारी की सारी यहाँ प्रैक्टिस करती हैं और यहीं अकेडमी में ही ट्रेनिंग होती है। जो दोनों चीज़ें यहीं चलती रहती हैं, सुबह ट्रेनिंग करो, शाम को गेम करते हैं। उच्च मानकों से सुसज्जित एक बड़ा स्विमिंग पूल भी इस अकादमी में है। शुरुआती और अनुभवी प्रशिक्षु दोनों के लिए एक प्रशिक्षण स्थल है। स्वच्छ पूल पर कुशल एवं दक्ष कर्मचारी सदैव तैनात रहते हैं। अकादमी में खेल प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के अतिरिक्त एक जिम्नेजियम भी है, जिसमें नवीनतम व्यायाम उपकरण और मशीनें हैं। यहां पुरुष और महिलाओं के लिए
अलग अलग विंग हैं, जिनमें कुशल प्रशिक्षक संपूर्ण व्यक्तिगत प्रशिक्षण सत्र प्रदान करते हैं। होस्टल एक ऐसी जगह है जहां एक छात्र कठिन प्रशिक्षण और अध्ययन करने के बाद शांति के कुछ क्षण और विश्राम पाने की आशा करता है। प्रशिक्षुओं को अकादमी में रहने के लिए अच्छे बैरक और होस्टल बनाए गए हैं, जो उन्हें संपूर्ण विश्राम के साथ घर जैसी भावना प्रदान करते हैं। अकादमी में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास का स्वच्छ वातावरण इनके अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, जो इन्हें समग्र शारीरिक और बौद्धिक विकास की ओर ले जाता है। सभी आवश्यक तत्वों के साथ अकादमी की हरियाली एक विशेष शांति का वातावरण अनुभव कराती है। अकादमी परिसर के भीतर कौशल विकास केंद्र है, जहां दर्जी, नाई, मोची और कपड़े धोने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पर्यावरण और जैव विविधता के बारे में प्रशिक्षुओं को जागरूक करने के लिए इस अकादमी के अंदर मोक्ष पार्क नाम का एक इको फ्रेंडली पार्क है। केंदू ट्री अकादमी के इतिहास का एक यादगार ऐतिहासिक स्थल है। ये अकादमी की स्थापना से पहले से ही यहाँ पर है। ये पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। गोल्फ कोर्स अकादमी में पहले से मौजूद सुविधाओं में चार चांद लगाता है, जहां अधिकारी अभ्यास करते हुए खेल में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। डक पॉन्ड अकादमी का एक मनोरम स्थल है, जहां बत्तखें पानी और जमीन पर स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन करती हैं। जो लोग अकादमी में आते हैं, उन सभी आगंतुकों के आकर्षण के लिए इस क्षेत्र को अच्छी तरह से सजाकर सुशोभित रखा गया है। प्रशिक्षुओं को अकादमी की भौगोलिक दिशा स्थिति से परिचित कराने के लिए अकादमी का विशाल दर्शी रेत प्रारूप लार्ज व्यू सैंड मॉडल बनाया गया है। इस लेआउट मैप को देखकर अकादमी और इसके आसपास के क्षेत्रों को समझना आसान हो जाता है। ऊर्जा की बचत करना सीधे सीधे पर्यावरण को बचाना ही है। इस उद्देश्य से अकादमी ने वैकल्पिक अक्षय ऊर्जा के प्रयोग की शुरुआत की है, जिसके तहत सौर पैनलों का उपयोग किया जा रहा है। इससे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य कार्यों के लिए होता है। प्रशासनिक भवन संपूर्ण अकादमी का मुख्य आधार है। अकादमी के निदेशक और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ कार्यालय हैं। ये भवन उत्कृष्ट वास्तुशिल्प का एक उदाहरण है। ओएसआई सेना शाखा पुरुष महिला कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं की छुट्टियों एवं नियमित व अकस्मात तैनाती की स्वीकृति से संबंधित शाखा है। किसी भी आवश्यक कार्य हेतु ओएसआई ही वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से मंजूरी दिलवाने का कार्य करती है। एडमिन ब्लॉक में प्रशिक्षण शाखा, जो सभी रैंक के राज्य के सभी पुलिस कर्मियों, अन्य राज्यों और अन्य देशों के पुलिस अधिकारियों के लिए व्यापक आधारभूत प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन का कार्य करने का उत्तरदायित्व निभाती है। साथ ही साथ यहां हरियाणा पुलिस से संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों की सहायता के लिए वार्षिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की योजना बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। दूर संचार विंग वैन के माध्यम से प्राप्त आंतरिक और बाहरी दोनों के लिए संचार का ध्यान रखता है। ये विंग प्रशिक्षुओं को रेडियो टेलीफोनी पर शुरुआती एवं उन्नत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। अकादमी प्रशिक्षुओं की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखती है, और इसीलिए यहाँ पर मंदिर और गुरुद्वारा बनाए गए हैं। सभी त्योहार एवं उत्सव यहाँ उल्लास पूर्वक मनाए जाते हैं। शहीदों की स्मृति में संकल्प स्थल नामक एक स्मारक भी इस अकादमी में है, जो प्रशिक्षुओं में देशभक्ति और नवीन उत्साह की भावना पैदा करता है। अकादमी परिसर में कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं के लिए कैंटीन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गैस एजेंसी, मधुबन कैफे नामक कैफेटेरिया, बैंक, डाकघर और पेट्रोल पंप जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
इसके अलावा दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीदारी के लिए मदर टेरेसा सीपीसी कैंटीन है। अपने उद्घोष जनहित के लिए राष्ट्र को समर्पित को सिद्ध करते हुए आने वाले वर्षों में भी अकादमी सभी संवर्गों के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करती रहेगी।